राम राम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल तुहाडे? अज मैं तुहाडे नाल ईवनिंग रूटीन शेयर करन लगी हाँ। अज मैं बनाने लगी हाँ आलू प्याज वाली कढ़ी और नाल बनावांगे चौल। और आपको पता मैं हिंदी पंजाबी मिक्स करती हूँ, तो आज कढ़ी बनाएंगे हम पकौड़े वाली, आलू प्याज वाली। और इसके लिए मैंने जो है चार पाँच हैं, ये देखिए प्याज ले लिए हैं और दो आलू ले लिए हैं और लहसुन ले लिया है। अदरक नहीं है मेरे पास, तो लहसुन और प्याज ही डालूंगी मैं। और सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊंगी। और अगर जल्दी खाना बन गया तो फिर हम जाएंगे बाहर घूमने। और मुझे पता चला, मैंने बेटे से मंगवाया था कढ़ी पत्ता, तो उससे पता चला कि वहाँ पे ना आजकल जैसे फसल कटी है तो कई लोग आग लग जला देते हैं, तो वो आग जलती जलती हमारे गाँव में, मतलब मेरे हमारे खेतों में आ गई और काफ़ी जो हमारे पेड़ है ना वो जल गए हैं। तो वो भी देखने जाना है, बड़ा टेंशन हुआ था कि इतने अच्छे पेड़ पौधे कैसे जल गए। तो अगर मैं गई तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो कल दिखाऊंगी, आगे का पार्ट कल बना लूंगी अगर नहीं बना लो तो। चलिए बनाते हैं कढ़ी, जल्दी जल्दी ये मैं सारा कट कर लेती हूँ और बनाने हैं कढ़ी। लहसुन को पानी में भिगो के रख दिया है, फटाफट से हो जाएगा। सुबह से लाइट नहीं है हमारे घर में, और हमारे घर में क्या पूरे गाँव में नहीं है, कोई काम चल रहा है उसकी वजह से लाइट नहीं है। तो इन्वेटर है, पंखा चल रहा है एक अंदर वाला, तो नहीं तो दूसरा पंखा लगाते बाहर। थोड़ा मक्खी की आजकल गर्मियाँ हो चुकी हैं और मक्खी की परेशानी होती है। तो चलिए फटाफट मसाला बनाते हैं। पंछियों की आवाज़ कितनी सोहनी ला दी ना, और काली जी निक्की जी चिड़ी है देखी, कितनी प्यारी आज की नहीं प्यारी सब्जी वाला आ गया। चलो जी फटाफट सब्जी कट करके फिर मिलते हैं। तो कढ़ी तो सबको ही आती है ज़्यादातर, जो मतलब जो मेरी छोटी बहनें हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ती हैं, तो उनके लिए है कि जल्दी बन जाती है, आप भी देख लीजिए। और जो मैंने बड़े पीसेस काटे हैं आलू और प्याज के, उसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। और ये लंबा लंबा मैंने लहसुन और प्याज काट लूँगी ये तड़के के लिए। और मैंने दही ले ली है 2 कटोरी, और बेसन लिया मैंने 4-5 चम्मच, ये 4-5 चम्मच जो है छोटे वाले हैं। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके एक पतीले में निकाल लूँगी दही को। वैसे इसको मैं अच्छे से मिलाऊँगी जब तक इसमें गुठली होगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करके ये मैंने पतीले में डाल दिया है और नीचे गैस जला दी है। तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी कढ़ी बन जाएगी, क्योंकि हमने बाहर जाना है घूमने। तो मैंने सोचा आज ही मैं आपको बाहर घुमा के लाती हूँ, पेड़ देख के आती हूँ कैसे हैं हमारे। तो अभी इसमें मैं पकौड़ों का बनाऊंगी मिश्रण, जल्दी से पकौड़ों का बना के मिश्रण, तो हम जल्दी जल्दी कढ़ी बना लेंगे। इस तरह जो कढ़ी है जल्दी बन जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। तो बेसन में डाल दिया मैंने नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल दी है, और इसमें जाएगा धनिया, जीरा डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा देगी मिर्च, और थोड़ा सा धनिया को मैं क्रश करके डाल दूँगी। अगर आप अजवाइन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा घोल मैं तैयार कर लूँगी पकोड़े वाला। सिंपल सी रेसिपी होती है, ज़्यादा कढ़ी में मतलब कोई ये नहीं है, बट जिनको नहीं आती है उनको लगता है कि कढ़ी पता नहीं कितनी मतलब मुश्किल बनती है। तो इसे मैं 2-4 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, तब तक मैं तेल कढ़ाई में डाल लूँगी। कढ़ाई मैंने तेल ले लिया है और इसमें मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो ये पकोड़े हैं जो मैं बच्चों को आलू के बना के दे रही हूँ, आलू और प्याज की हैं।
तो मैंने ज़्यादा सा मटेरियल बना लिया था क्योंकि बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। उन्होंने बोला हमारे लिए पकोड़े बना देना, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पकोड़े खाने के लिए, और इसी में जो है मैं कढ़ी के लिए भी बनाऊँगी, तो लगे हाथ बच्चे भी खाएँगे। तो पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी लस्सी यानी कि दही की बनाई थी हमने बेसन डाल के, वो तैयार कर लिए। इसमें हल्दी नहीं डाली है इसलिए वाइट कलर लग रहा है। और पकोड़े हो गए हैं तैयार, तो ये मैं दे के आती हूँ और बाकी और निकाल लूँगी। बच्चों ने ले लिए हैं, और ये मैं कढ़ी के लिए तैयार कर लूँगी, और फटाफट से कढ़ी हो जाएगी तैयार। मम्मी ने भी देखे ये पकोड़े, देखो कोई नहीं ठहर के पंप चलावांगे ना, जो लाइट आई है ना, थोड़ा जा पाया उतना। मेरी बेटी को धनिया नहीं पसंद है ना, फाड़ के रखो ना, कुत्ते ने खा लेना। मैं मम्मी भी देख रहे खा लेने एक दो, अभी एक रोटी अभी पहले खाई है थोड़ी देर पहले, शाम के 7 बजने वाले हैं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी कढ़ी बना दें, थोड़ा घूम के आते हैं, अगर घूम के आएंगे। कितना का स्वाद है, मैंने तो नहीं खाया, मैं सिर्फ कढ़ी चावल के साथ खाऊंगी, थोड़े से चावल लेके, अभी पकोड़े नहीं खाऊंगी मैं। चलिए कढ़ी रह गई है थोड़ी सी बनने, तो बनाते हैं। पकोड़े बन गए थे साढ़े सारे, तो मैंने पकोड़े सारे निकाल लिए हैं, तेल भी निकाल लिया है, और तड़के के लिए तेल जितना चाहिए वो रख लिया है। इसमें पहले मैंने मेथी दाना डाला है, मेथी जो दाना होता है वो कढ़ी में बहुत ज़रूरी होता है फ्लेवर के लिए, और अपनी मतलब डाइजेशन के लिए भी। और इसमें मैंने डाल दिया था जीरा, और जो मैंने कटा हुआ था लहसुन वो डाल दिया था, उसको पहले भून लिया, फिर प्याज, और अच्छे से मैंने इसको मिला दिया। तो अभी इसमें मैंने डाल दी हल्दी, नमक, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कई लोग इसमें टमाटर डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि कढ़ी हमारी खट्टी बनेगी। और ये देगी मिर्च, और हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है इसमें। तो ये बस हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है, और धीरे धीरे इसमें जो मैं दही जो बनाया था हमने लस्सी बेसन वाली, वो इसमें धीरे धीरे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे इसको, और कढ़ी हमारी जल्दी वैसे तैयार हो जाएगी, जल्दी इसमें उबाल आ जाएगा। देखिए जल्दी इसमें उबाल आ गया, सिर्फ 3 से 4 मिनट में उबाल आ चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी पकौड़े। मुझे ना प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगर इसमें कोई कमी लगती है, क्योंकि हमें मतलब पता चलना चाहिए ना क्या कमी है, तो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक करा करें। तो अब मेरी कढ़ी हो रही है तैयार, तो इधर मैं थोड़े से मेरे बर्तन हैं वो साथ साथ में निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी बाहर, तो आते वक्त टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और किचन जितना क्लीन हो जाए उतना अच्छा, साथ साथ में काम निपट जाता है। और मुझे पेड़ों का फिक्र, मैं अब कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, बट मैं देखने ज़रूर जाऊँगी। और मम्मी का अभी कल का मन था कि बाहर जाना है घूमने, तो मैं जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम ज़्यादा कहीं गए नहीं, कभी किसी के घर भी नहीं गए हैं, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, क्योंकि हम सेफ़ हैं, तो सभी हमारे फ्रेंड सेफ़ हैं, हमारे नेबर्स ठीक हैं, तो अपनी सुरक्षा भी है और उनकी भी है, इसीलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। और फिर अगर मैं जाऊँगी तो मम्मी जी भी जाएँगे, इसकी वजह से मैं आस पड़ोस में भी कहीं नहीं जाती हूँ, अपने घर में रहती हूँ। और चलिए हमारे जो बर्तन अब साफ हो चुके हैं, अब जो कढ़ी को लास्ट हमने जो इसको तड़का देना है वो दूंगी मैं, तो किचन जितना क्लीन हो जाए उतना अच्छा। आके मैं बनाऊंगी चावल, तो अभी टाइम है तो चावल मैं आके बनाऊंगी क्योंकि जल्दी बन जाते हैं चावल। तो इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी मिर्ची का और जीरे का, तो जीरा मैंने पहले डाल दिया, अभी सिर्फ मैं लाल मिर्ची का तड़का लगाऊंगी, इससे कढ़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये मैं पक्का लगाती हूँ, ये सरसों के तेल में मैंने लाल मिर्ची का तड़का लगा दिया है, और ये बड़े ध्यान से लगाना चाहिए तड़का, ये मिर्ची ऊपर को आ जाती है, तो ज़रा ध्यान से ही लगाएं जो पहली बार लगाएंगे। तो हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार, देखिए कितनी अच्छी कढ़ी है, और ये कढ़ाई में बनाई इसलिए ज़्यादा लग रही है, और बनाई भी मैंने ज़्यादा है क्योंकि हमने चावल के साथ खानी होती है। तो देखिए खेतों का हाल, कहते हैं ना सरकार हर जगह नहीं जा सकती भाई, ये हमें खुद से चाहिए कि हमने कैसे सुरक्षा करनी है। ये हमारा चीकू का पेड़ था जो सारा जल चुका है, और मुझे अभी भी एडिटिंग करते बहुत दुख लग रहा है। और ये आम के पेड़, और ये हमारा
कड़ी पत्ता था ये वाला इधर, तो वो भी जल चुका है। और देखिए आम का क्या हाल हो चुका है, 5-6 मतलब पेड़ हैं आम के, तो इधर साइड ही लगे थे, तो मैंने फिर जहाँ उनके पत्तों को झुलस चुके थे ना, वहाँ आम लगे हुए थे। आम अच्छे थे, ठीक ठाक थे, मुझे पता था ये कल परसों तक ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको तोड़ लिया है। और डंडे से थोड़ा तोड़ा कुछ को, तो ज़मीन से उठाए हैं, मेरे हाथ भी काले हो चुके थे राख से। तो देखिए ये पता नहीं किसने लगा दी, धीरे धीरे हमारी जगह भी आ गई, और पास ही हमारे बाबा जी की जगह है, बिल्कुल पास ही यहाँ पे वो पार्क बनी है। तो यहाँ हम माथा टेकने आ गए और दिल को थोड़ा सुकून मिल गया, शाम हो रही है बिल्कुल। तो यहाँ आपके ना कुछ अच्छा फील हो रहा है, कहते हैं ना धार्मिक स्थान पे आके ना वैसे ही आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। ये हमारे आम है जो इधर की साइड पड़ते हैं, दूसरी तरफ तो उनको आग लग चुकी है, फिर भी थोड़ा मतलब आम बच चुके हैं। और ये पीपल का पेड़ है, यहाँ गर्मियों में बुज़ुर्ग वगैरह आके बैठते हैं। और ये कई देवी देवताओं के मंदिर हैं यहाँ पे, और हमारे जठेरे होते हैं, जैसे शादी के बाद आते हैं हम, हमारे यहाँ पे माथा टिकाते हैं, तो ये हमारे जठेरों का मंदिर है सामने वाला, ये वाला, और ये वाला भी मंदिर है हमारा। देखिए ओम का निशान है, और बड़ा अच्छा लगा शाम को यहाँ आके, मन को सुकून मिल रहा है। और देखिए ये पेड़ कितना अच्छा विशाल और कितनी छाया दे रहा है, शीतल ठंडा, और मन को बिल्कुल शांत कर दिया इसने। जितना मुझे फीलिंग थी वो दुख वाली थोड़ी सी जैसे है थी मेरे अंदर, कितने अच्छे पेड़ जल गए। और इंसान को अभी भी कुदरत से कुछ नहीं सीख रहा है, तो हमें सीखना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब काम आराम से ही होने चाहिए, क्योंकि हमने सब टेक्नोलॉजी अजमा के देख ली जो आजकल हमारे साथ हो रहा है, हर एक इंसान के साथ हो रहा है। पंछी आजाद घूम रहे हैं, हम जो इंसान हैं घरों में कैद हो चुके हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। अपने लिए सोचो, हम अगर अपने लिए ही सोचेंगे शायद दुनिया का भला हो जाए, बट हम अपने लिए भी नहीं सोच रहे हैं। और ये देखिए अंदर का व्यू है, यहाँ पे माथा टेकते हैं, जल रखा हुआ है, दीपक जलाया है। हिंदू धर्म में ऐसा मतलब होता है हमारे, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, और मन को शांति मिली। सूरज छिप रहा है, कितना अच्छा व्यू है, पंछी अपने घरों को जा रहे हैं। तो देखिए कुदरत, कहीं हरियाली है ना, कहीं कुछ जल रहा है, तो ये हमारे इंसानों के हाथ भी है कि हमें क्या चाहिए। तो अब हम घर आ चुके हैं, और उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने मतलब जाके चावल बनाए सब कुछ, यहाँ मेरे बच्चों के लिए मैंने खाना लगा दिया है, हमारा सिंपल सी लाइफस्टाइल है उसके। देखिए ये कड़ी चावल आप भी खा लीजिए, कड़ी बड़ी अच्छी बनी है और पकोड़े बड़े सॉफ्ट। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।